नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के लिए एक बड़ी न्यूज आ रही है पड़ोसी देश चाइना से। जी हाँ दोस्तों, चाइना और भारत के दोनों विदेश मंत्री लाओस में मिले हैं और एक ऐसी बात चाइना ने उठा दी है कि जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी डिमांड ही कर दी है। आइए दोस्तों समझते हैं कि पूरी खबर है क्या। दरअसल दोस्तों, इस वक्त आसियान कंट्रीज जो हैं उनकी एक मीटिंग हो रही है लाओस में, जिसको अटेंड करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए हुए हैं। ये वहां पर गए और वहां पर चीन के विदेश मंत्री इनको मिले, अपने एस जयशंकर जी से वांग यी। अब इन दोनों लोगों के बीच मुलाकात हुई और वहाँ पर वांग यी जो विदेश मंत्री हैं चाइना के, इन्होंने भारत से बोला, यानी कि एस जयशंकर जी से बोला कि हमें अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को एक तरफ रखते हुए दोनों देश को आगे बढ़ना चाहिए और कॉपरेट करना चाहिए काफ़ी, और बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना चाहिए। और इनका ये कहना है कि भारत अब दो जगह को छोड़ दे, वो उनकी डिमांड ना करे, क्योंकि बाकी जगहों से चीन ने अपनी सेना को पीछे कर लिया है। दोस्तों, जैसे कि गलवान का इंसिडेंस था, वहाँ से इन्होंने अपनी सेना को पीछे कर लिया है। ऐसे ही अगर बात करें तो पेंगोंग सो जो जगह थी, वहाँ से भी इन्होंने अपने सैनिकों को पीछे कर लिया है। लेकिन ऐसे ही एक दो जगह और भी हैं जहाँ से इन्होंने अपने सैनिकों को पीछे कर लिया है, लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहाँ से इन्होंने अपने सैनिकों को पीछे नहीं किया है और वहाँ पे स्टैंड ऑफ आज भी है। एक देपसोंग एंड डेमचोक, ये दो जगह हैं जिसको चाइना ने कहा कि ये आप हमें दे दीजिए। ये इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने बोल दिया कि ये आप हमें दे दीजिए और हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को दूर करते हैं। तो ये बात चाइना की तरफ से जब बोली गई तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने इनको वहीं पर जवाब दिया और इनको ये बताया कि दोनों ही देश को जो एग्रीमेंट हमने 1993 और 1996 में किए हैं, यानी कि 1993 एंड 1996 में जो भी एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुए, उसका दोनों को सम्मान करना चाहिए और उसका वॉयलेशन नहीं करना चाहिए, उसकी बात को पूरा करना चाहिए। और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी ये LAC है, यानी कि जो भारत और चीन की जो बॉर्डर है उसको LAC बोलते हैं, LAC में दोनों तरफ की सेनाएं नहीं रहेंगी, जिसका चाइना वॉयलेशन कर रहा है। तो सबसे पहले चाइना को अपनी जो आर्मी है, जो अपनी फोर्स लगा रखी है PLA को, वहाँ से हटाना चाहिए। फिर उसके बाद और हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको हम ख़त्म करते हैं और दूसरी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और अपने रिश्ते को अच्छा बनाते हैं। ये तो भारत का जवाब रहा। उसमें आपको बता दें कि चाइना की बेचैनी कुछ इसलिए भी बढ़ रही, क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना भारत से कई तरह के रिक्वेस्ट कर चुका है। एक तो भारत से रिक्वेस्ट ये करी है कि भारत और चाइना के बीच में जो फ्लाइट का आवागमन होता था वो 2020 के बाद से बंद हो गया है। तो वो ये चाहते हैं कि एक इसको चालू कर दिया जाए, जिससे कि दोनों देश के लोग एक दूसरे के यहाँ आसानी से आ सकें। इसके बाद एक उनकी डिमांड ये थी कि भारत के लोग और चाइना के लोगों के बीच में जो वीज़ा दिए जाते हैं वो और ज़्यादा दिए जाएं आसानी से, ताकि एक दूसरे के यहाँ लोग पहुँच सकें। ये अभी पिछले कुछ टाइम, मतलब अभी की ही बात है जब चाइना ने डिमांड करी। इसके बाद एक डिमांड और चाइना ने करी कि अभी तक इन्वेस्टमेंट भारत नहीं करने दे रहा है। डायरेक्टली तो कोई ऐसा नियम नहीं बनाया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भारत में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना की कंपनियों का। तो जो अब वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो चाइना के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्टर कंट्री है और वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इंडिया की मार्केट में, और इंडिया का इतना बड़ा मार्केट चाइना नहीं चाहता कि उसका यहाँ पे कोई शेयर ना हो। इसलिए उसने ये कई डिमांड रखी, लेकिन उसने ये एक बेवकूफ़ी वाली डिमांड रख दी कि उसको डेमचोक चाहिए और देपसांग चाहिए।
ये भारत कभी नहीं मान सकता है, क्योंकि भारत का साफ कहना है कि जो हमारा एरिया है हम अपने एरिया में ही हैं, हमने दूसरे साइड नहीं पहुँचे, आप हमसे कैसे डिमांड कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से पीछे हटे हैं कुछ जगहों से, तो वो आपको हटना ही था, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस आपने दिखाई और जगह पर आप लोग आ गए। ये तो भारत के सैनिक थे जिन्होंने वैसा ही जवाब दिया और आपको पीछे किया। अभी दोस्तों क्या है कि भारत को बहुत ही स्मार्टली सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, कैसे भी करके चाइना को काउंटर तो करना ही पड़ेगा। हमारे देश के जवान इस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो चाइना को उसी के तरीके से जवाब दें, और भारत के जो सैनिक हैं वो चाइना को उसी तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। ये चाइना को पूरी तरह से भारत के साथ रिश्ते सुधारने पे सोचने पे मजबूर कर रहा है। उनको मालूम है कि भारत के सैनिक बहुत मजबूत हैं और इनको किसी भी तरीके से पीछे कर पाना इजी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये डिमांड रखी है लाओस में। और ये बता दें आपको कि ये पहली बार नहीं है जब भारत के और चाइना के विदेश मंत्री मिल रहे हैं, इसी महीने में दूसरी बार ये मुलाकात है। इससे पहले जब मुलाकात हुई थी तब भी ऐसे ही डिमांड उठाई गई थी, जो अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है इस मीटिंग में भी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ और अगर पॉजिटिव आता है या कोई अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।